तो आप भी वीडियो एडिट करना सीखना चाहते हो या फिर आप एक यूट्यूबर हो और वीडियो एडिटिंग अपने मोबाइल से ही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक नई एप्लीकेशन के बारे में जिससे कि आप अपने मोबाइल में आसानी से वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों समझने का वीडियो स्टार्ट करना चाहेंगे, मैं हूं जन पटेल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन के डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीधे एप्लीकेशन ओपन करेंगे जिसकी नाम है विजमेटो। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो रही है दोस्तों यहाँ पे, और आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस नज़र आएगा आपको यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन आपको रिकॉर्ड का है, एक माई स्टूडियो है, एक्सप्लोजर है, एडिट वीडियो है और GIF का है और स्लाइड शो का है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे वीडियो एडिट करना है तो हम लोग यहाँ पे एडिट वीडियो पे क्लिक करेंगे और हमारी गैलरी से कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी गैलरी से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वीडियो सिलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यू करूँगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे कैटेगरी दी गई है, आप यहाँ से उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहली कैटेगरी यहाँ पे स्लो का ऑप्शन है तो आप यहाँ से डायरेक्टली स्लो कर सकते हैं वीडियो को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फास्ट एक ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली स्पीड भी वीडियो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से स्पीडली वीडियो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो मैं आपको एक बिट्स का एक ऑप्शन मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिट्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, और एक ऑप्शन है यहाँ पे फ्लेडिक का तो वो भी आप देख सकते हैं। लेंस का एक ऑप्शन मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंस का एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को जूम करना चाहते हैं तो वीडियो का जूम भी कर सकते हैं, आप जूम पे क्लिक करोगे तो वीडियो यहाँ पे जूम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो जूम होना स्टार्ट हो चुका है। इंसर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंसर्ट का ऑप्शन मिल चुका है आपको, यहाँ से वो इंसर्ट कर सकते हैं। स्पिन का वीडियो यूज़ कर सकते हैं आप, स्पिन यहाँ से वीडियो रोटेट कर सकते हैं। RGB आप कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट आपको यूज़ करना चाहते हो वो ब्लैक एंड वाइट भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे इफ़ेक्ट उसको निकालना चाहते हो वो निकाल भी सकते हैं। उसको आपको यहाँ पे जो चौकड़ी बनी हुई है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, इफ़ेक्ट्स यहाँ से आप लिख सकते हैं, इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे हार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, हार्ट भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। स्माइली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से आप, किस का एक सिम्बॉल मिलेगा किस भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे इमोजीज होते हैं जो आपको दूसरी एप्लीकेशन से लेने पड़ते हैं तो आपको यहाँ से ही डायरेक्टली वो मिल जाएगी। इसी एप्लीकेशन में वो सारे इमोजीज आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक क्राइक का एक ऑप्शन मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, अपने वीडियो को यहाँ पर रिवर्स करना चाहते हैं, टैक्स यहाँ पर डालना चाहते हैं वो टैक्स भी डाल सकते हैं आप यहाँ से। तो मैं आपको यहाँ पर टैक्स डाल के दिखाऊँगा दोस्तों। तो टैक्स में हम लोग जाएँगे और यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर जतिन लिख रहा हूँ दोस्तों। आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्मेट्स दिए गए हैं तो मैं यहां से कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ कर लूँगा। टैक्स आप कहीं पे भी लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से यहां पे यूज़ कर सकते हो। डन बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पे राइट बटन पे क्लिक कर लेंगे। उसके नीचे में आपको एक ट्रिम वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पर वीडियो कट करना है जो भी भाग आपको सिलेक्ट करना है उस भाग को आपको यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से इतना भाग ट्रिम करना है, मैं इसको आसानी से यहाँ पे ट्रिम कर लूँगा। उसके बाद जो मैं दोस्तों एक और ऑप्शन मिलेगा आपको ऑडियो का, तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपने गैलरी से यहाँ से ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने माय म्यूज़िक में जाके भी आप यहाँ से ऑडियो सिलेक्ट कर सकती हैं या फिर जो वीडियो की लाइब्रेरी में है वहाँ से भी आप ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है। आप यहाँ से डायरेक्टली प्रीव्यू भी देख सकते हैं दोस्तों, जो आपने बनाया वीडियो उसको प्रीव्यू देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। सेव का भी ऑप्शन डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उसको व्हाट्सएप या यूट्यूब पे भी डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है दोस्तों इस एप्लीकेशन के, आप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ एप्लीकेशन फीचर्स में नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जल्दी से हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद वंदे मातरम।